दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही जुबानी जंग अब अदालत के दरवाजे तक जा पहुंची है। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने आम आदमी पार्टी और उसके 5 नेताओं के खिलाफ उनके कथित आरोपों को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। इसके साथ ही सक्सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट से आप और उसके कई नेताओं को उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठे आरोप लगाने से रोकने का आग्रह किया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एलजी के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया। उनका दावा है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सक्सेना 1400 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल थे।